सावरकर सियासत और भारत रत्न, सियासत की जब बात होती है तो अब राजनीति इस तरीके से मोड़ ले रही है कि अब सावरकर का नाम जब सामने आया और महाराष्ट्र में जिस तरह से संकल्प पत्र जारी करके सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठी, उस पर अब सियासत तेज हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। जी हां, वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए या नहीं, ये अब एक देश का मुद्दा बन गया है। अब इस पर जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस एक तरफ आलोचना कर रही है और कह रही है कि अगर सावरकर को आप भारत रत्न दे सकते हैं तो गोडसे को क्यों नहीं। सियासत की बात छिड़ेगी तो साम दाम दंड भेद की हर नीति नजर आती है। क्या भारत रत्न भी इसी नीति का अब नया रूप बन चुका है? अब ये सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं और वीर सावरकर वो नाम जिससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे वक्त में ही इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं, क्या सावरकर को भारत रत्न दिया जाए या नहीं। इन तमाम सवालों के पहलुओं को हम चर्चा में शामिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पर भी सियासत हो रही है। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। सालों पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सावरकर के बारे में ये शब्द कहे तो शायद सोचा नहीं होगा कि उसी सावरकर के नाम पर आज सियासत साधी जाएगी। चुनावी जंग से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। वादे तो कई किए गए लेकिन सभी वादों में एक वादा ऐसा भी था जिस पर राजनीति अब गर्मा चुकी है। महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, स्वातंत्र्य वीर सावरकर यांना भारत रत्न मिळाले पाहिजे या करता राज्य सरकारच्या माध्यमातून शिफारस तर आम्ही केलीच आहे। वैसे तो महाराष्ट्र सरकार ने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को भी भारत रत्न देने की सिफारिश कर रही है, लेकिन वीर सावरकर का नाम आने के साथ ही AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सियासी दावपेच शुरू कर दिए हैं और सावरकर के बारे में लंबी चौड़ी ट्वीट की, तो साथ ही बयानों में गोडसे को भारत रत्न दिलाने के लिए उनका प्यार भी नजर आने लगा। जहां उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, दूसरा पहलू है जब उन्होंने माफी मांगकर वो वापस लौट कर आए, तो इस दोनों पहलू पर ही हम लोगों को विचार करना चाहिए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या में षड्यंत्र में उनका नाम भी दर्ज हुआ था। कांग्रेस ने सावरकर को भारत रत्न देने पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस की नीयत को कटघरे में खड़ा कर दिया। सावरकर के नाम पर सियासत के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत रत्न बटोरने के आरोप लगा दिए। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले समाज के विकास के लिए इतना काम किया, इन राष्ट्रभक्तों को भारत रत्न निश्चित मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने परिवार में भारत रत्न समेटना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस जंग के बीच आजादी में सावरकर की भूमिका को लेकर अपनी बात रखी और सन 1857 की क्रांति से जुड़े सावरकर के किस्से भी बताए। और शायद वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बन, उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखें। भारत रत्न तो बस एक जरिए की तरह है और इस जरिए के सहारे सियासत चमकाने की कोशिश चल रही है। फिर ओवैसी हो या कांग्रेस या बीजेपी, सियासत की बात में सावरकर का जिक्र राजनीति के नए रास्ते जरूर खोल रहे हैं। अब वोटर सावरकर को भारत रत्न के बहाने कितना पसंद करते हैं ये तो चुनाव के नतीजे आने के साथ ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।
तो आज R9 के सवाल हैं कि क्या सावरकर को मिले भारत रत्न, क्या भारत रत्न पर राजनीति हो रही है, सावरकर के बहाने क्या महाराष्ट्र को साधने की कोशिश हो रही है। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे। हमारे साथ तमाम जो पैनलिस्ट हैं मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवा दूं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिरुद्ध सिंह बीजेपी के लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और समीर चौगांवकर संघ विचारक जो है हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है। फजील अहमद मुस्लिम विचारक इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तमाम गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सरस्वती जी आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या लगता है वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, इस पर सियासत हो रही है? सियासत की तो इसमें मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती, क्योंकि वीर सावरकर भारत रत्न जैसे पुरस्कार से बहुत बड़े हैं। भारत के निर्माताओं में से एक वीर सावरकर हैं, भारत का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने आज़ादी की जंग में लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया, जिस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा दी कि वो विदेश में जाएं और आर्मी बनाकर भारत से लड़ें, अंग्रेजों से लड़ें। और उस समय जबकि सारे लोग जो कांग्रेस के नेता थे अंग्रेजों से मिलकर क्रांतिकारियों को मरवा रहे थे, ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जो क्रांतिकारियों के लिए लड़ रहा था, जेल में बैठा हुआ था, काले पानी में था, तीन भाई काले पानी में थे, इतना त्याग तो किसी का है ही नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, कौन लोग कहते हैं? वो लोग कहते हैं जो अंग्रेजों के दलाल थे, जिन्होंने अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी में, जो अंग्रेजों ने हमारी फ्रीडम फाइट को डाइल्यूट करने के लिए पार्टी बनाई कांग्रेस पार्टी, उसके लोग सावरकर पर उंगली उठाते हैं। ये एक मजाक इस देश में हो रहा है। मैं सब उम्मीद करता हूं कि इस देश के नौजवान कभी इतिहास को स्वतंत्र दृष्टि से जब देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आज जितनी भी समस्याएं इस देश में हैं उसका जनक अगर कोई है तो महात्मा गांधी और नेहरू हैं। और अगर सावरकर की बात मानी गई होती तो इस देश की समस्याएं बहुत कम होती। इस देश में सावरकर ने पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस जिस तरफ जा रही है देश बंटवारा होगा। सावरकर अकेला आदमी था जो गांधी के षड्यंत्रों को समझ पाया। सावरकर जी अकेले वैसे व्यक्ति थे जो नेहरू की गद्दारी को समझ पाए, इनके विश्वासघात को समझ पाए। सावरकर महामानव हैं। सावरकर अगर यह देश हिंदू राष्ट्र बन गया होता, जो कि गांधी और नेहरू ने नहीं बनने दिया, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बना, 100 करोड़ हिंदुओं को उनकी जमीन नहीं मिली, इसके दोषी केवल गांधी और नेहरू हैं। गांधी और नेहरू की यदि नहीं चली होती और ये हिंदू राष्ट्र बना होता तो सावरकर इस देश के देवता होते, राम और कृष्ण की तरह उनके मंदिर होते, क्योंकि हम मूर्ति पूजक लोग हैं। सावरकर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति का केवल इसलिए इज्जत करता हूं कि उन्होंने सावरकर का नाम जब वो प्रधानमंत्री थे तो भारत रत्न के लिए भेजा था। केवल दो ही बात अटल बिहारी लेकर अब तक नहीं मिल पाया। नहीं, वो तो इसलिए नहीं मिल पाया, देखिए उनके शत्रुओं की विचारधारा ने देश पर राज किया, हिंदुओं के शत्रुओं की विचारधारा ने अब तक इस देश पर राज किया है, इसलिए सावरकर की आदमी नरसिम्हानंद जी पिछले 5 सालों में याद नहीं आई। महाराष्ट्र का चुनाव तब ये टॉपिक उठ रहा है, सवाल तो इसलिए मंशा पर उठ रहा है, मोदी जी ने अभी खत्म की है, सवाल मंशा पर इसलिए उठ रहे हैं, सियासत की बात इसलिए उठ रही है नरसिम्हानंद जी कि वक्त ऐसा है, ये वक्त क्यों चुना गया? फजील अहमद चलते रहते हैं आज यहाँ, फजील अहमद इससे बचा नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं ये पक्ष भी उठेगा। फजील अहमद क्या लगता है कि अगर महान है सावरकर और उन्हें देना चाहिए भारत रत्न, कि पिछले 5 सालों में सरकार को नहीं सूझा, जो एन जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को साधने की कोशिश की जा रही है सावरकर के नाम से? श्वेता जी, भोजपुरी में एक कहावत है कि अंधरा बाटे रेवड़ी घरे घराना खाए, समझते हैं इस बात को आप कि अंधा जो है रेवड़ी बांट रहा है और उसके घर के ही लोग खा रहे हैं, उसको पता ही नहीं कि हम किसको बांट रहे हैं। अरे हम तो सर मारी है कि बीडी सावरकर साहब को इतना दिन से लोग भारत रत्न नहीं देने, प्रणब मुखर्जी को दे दिए। मैंने प्रणब मुखर्जी उनसे बहुत बड़े नेता थे कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिल गया और सावरकर साहब को नहीं मिला। देख लीजिए ये कहाँ ये लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और तिलक गोखले, तिलक को मिला क्या प्रथम स्वतंत्र संग्राम से? देखिए हमको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। ये बीजेपी के लोग उसको सावरकर को अपना पेटेंट महापुरुष बना लिए, बीएसपी के लोग ने अंबेडकर साहब को पेटेंट महापुरुष बना लिया, महात्मा गांधी को पेटेंट करा लिया कांग्रेस ने। अब हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग का पेटेंट कौन है? हम लोग का जो पेटेंट था वो सदी की सबसे बड़ी गलती करके पाकिस्तान लेके चला गया और हम लोग को बर्बाद कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि ठीक है इनकी सरकार है जिसको चाहे, लेकिन हम एक सवाल
सबके पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी के सामने पूछ रहे कि क्या सावरकर साहब प्रणव मुखर्जी से भी छोटे थे। बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया। प्रणव मुखर्जी को आप प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न दे सकते हैं और सावरकर साहब को अटल जी ने, अरे अटल जी किसको, किसने रोका अटल जी को? एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी उनकी, किसने रोका सावर साहब? नहीं नहीं, वो तो केआर नारायणन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया, सर मना कर दिया। लेकिन पिछले पांच बहुत सी चीजों को देखिए, पोटा कानून को मना किया, सुनिए पोटा कानून को राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया, पास हुआ कि नहीं हुआ? सवाल इस बात का है, राष्ट्रपति हमारे देश में क्या है बताइए? काट का उल्लू कहा जाता है हम लोग संविधान में। ऐसे कम से कम सुनिए मेरी बात सुनिए, हम जब पढ़ते थे, नहीं नहीं हम पढ़ते थे, हमारे मास्टर जी कहते थे, शब्दों का प्रयोग ना करें। अरे सर हम पढ़ते थे तो हमारे मास्टर जी कहते थे कि राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है देश में, हमको हमारे मास्टर जी यही बात समझाए, हम बचपन से यही पढ़े हैं। नहीं तो पोटा जैसा कानून जिसका पूरा पार्लियामेंट ने विरोध किया और वो गया, राष्ट्रपति ने भी विरोध किया, फिर भी पास हो गया। सवाल देखिए, हमारे देश में कुछ कुरीतियां हैं, कुछ विसंगतियां हैं, कुछ असमानता है, और इस हद पर असमानता है कि हम लोग अपने महापुरुषों को भी अपनी जात के आधार पर बांट दिए, हमने अपने क्रांतिकारियों को भी बांट दिया है, और उन्हीं ऐसे ही लोग इस धरती को बांट के अलग कर दिए, ऐसे ही लोग आज भी इस धरती को बांटने में लगे हैं। आपको क्या पता है हिंदुस्तान कितने खंड में बढ़ चुका है इन्हीं भावनाओं के चलते। अगर किसी अंदर के 10 अच्छाई 10 बुराई भी होती है, महात्मा गांधी के भी हम मानते हैं तो उनके अंदर भी कुछ बुराइयां थी, जवाहरलाल नेहरू थी, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर अच्छाई बुराई होती है। अगर सावरकर साहब की एक भावना थी कि हिंदू राष्ट्र, तो ऐसा हम उस उनकी अपनी विचारधारा है। स्वामी जी कहेंगे हिंदू राष्ट्र, हम कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र, वो हिंदू है हिंदू की बात करेंगे, हम मुस्लिम है मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन सभी को मिलकर जब देश की एकता और अखंडता पर बात करनी होती है तो निश्चित रूप से सबको अपनी अपनी जात बिरादरी धर्म मजहब क्षेत्र भाषावाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के राष्ट्र की बात करनी पड़ती है। लेकिन एक सवाल मैं आज प्रधानमंत्री जी से इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रणव मुखर्जी सावरकर साहब से भी इसका जवाब तो अनिरुद्ध जी देंगे। अनिरुद्ध जी देखिए, सबसे बड़ी दुविधा यही होती है जब भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी या उनके क्षेत्रीय मुख्यमंत्री कोई कदम उठाते तो उनसे सबसे पहले ये पूछा, आज क्यों कर रहे, पहले क्यों नहीं करते 370 हटा, आज क्यों कर रहे, पहले क्यों नहीं करते 370 पहले। प्रणव मुखर्जी पर जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि वीर सावरकर जी को अगर कहा जा रहा है कि भारत में मिलना चाहिए तो उसमें लोगों की इतना पेट में दर्द नहीं, कोई किसी को दर्द नहीं है। आप टाइमिंग, टाइमिंग दे दिया जाए, आप सुन लीजिए, आज आप जैसे रात को 12 बजे आपने घोषणा कर दी नोटबंदी की, उसी तरह आपको भारत रत्न दे बता देना चाहिए था कि हमने दे दिया। प्रणव मुखर्जी आपके अधिकार सावरकर का, वीर सावरकर का, अनिरुद्ध जी वीर सावरकर का इतिहास ऐसा तो नहीं है कि आज लिखा गया है, आप लोग इतिहास आज लिखा गया हो ऐसा तो नहीं है। मैं एक टाइम चाहता हूँ, रात को 12 बजे राष्ट्रपति जारी कर दी थी सत्र समाप्त करने की, क्या सावरकर जी पे भारत रत्न देने के लिए सूचना कल रात भी जारी नहीं हो सकती थी क्या? और आज दे दिए होते, और वीर सावरकर आज दे दिए होते, इसमें क्या बहस करना चाहते हैं देश के अंदर? ये देश के अंदर बहस करना चाहते हैं ताकि फजीला बंद की बात करेंगे तो हमारी राजनीति सवाल उठेंगे, टाइमिंग पर सवाल उठेंगे। 5 साल से पिछले 5 साल से आपकी सरकार थी, मैं कह रहा हूँ उस सरकार के दौरान ये बात क्यों नहीं, इसमें चर्चा क्या? अगर वीर सावरकर जी का नाम आ रहा, प्रणव मुखर्जी भी सम्मान के अलग अलग तुलना करने की क्या जरूरत इसमें? चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं? मैडम चुनाव हमेशा होते रहते हैं, भारत है लोकतंत्र है, हमेशा हर साल 3 राज्यों में चुनाव होते हैं, हर चौथे राज्य में लोकसभा का चुनाव होता है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, और ऐसे वक्त में सावरकर का नाम, सावरकर का जिक्र करना और उन्हें कहना कि भारत रत्न दिया जाए, आज ये टॉपिक, आज ये विषय क्यों बना है जीवन का? वजह इसके पीछे यही है। समीर जी, समीर जी कैसे देखते हैं, क्या सवाल नहीं उठेंगे सरकार की मंशा पर? अगर ये सवाल फजील अहमद जी पूछ रहे हैं कि क्या पहले सरकार ये डिसीजन नहीं ले सकती थी, और जैसा कि नरसिम्हा रन सरस्वती जी भी कह रहे हैं
है कि हालांकि अटल जी ने बात उठाई थी लेकिन नहीं दिया गया। ऐसे वक्त पर जब ये बात उठाई जा रही है, एक मिनट समीर जी, सवाल आपसे यही है कि सियासत हो रही है ये मंशा पर तो सवाल उठेंगे कि अब भारत रत्न पर भी क्या सियासत होगी? उसमें बड़ा और छोटा तुलना करने की क्या जरूरत है? एक मिनट, प्रश्न फिर से पूछिए। क्या भारत रत्न पर भी अब सियासत होगी? अगर देना था तो 5 साल पहले क्यों नहीं? टाइमिंग को लेकर सवाल उठेंगे और जवाब देना होगा सरकार को। क्या साधने की कोशिश नहीं की जा रही है महाराष्ट्र को? मुझे लग रहा है कि यह आरोप लगाना कि महाराष्ट्र और के चुनाव को देख के सावरकर का नाम जिक्र किया गया है यह बहुत ही गलत है। मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में तो सावरकर पूजनीय ही है और जो भी सावरकर के नाम से जो वोट करते होंगे वो पहले से ही वह महाराष्ट्र के चुनाव की मैं पहले बात कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र के चुनाव में जिक्र आपने बात किया इसलिए मैं महाराष्ट्र का जिक्र कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र के जो वोटर को देख के अगर जो आरोप लगाया जा रहा है कि वोट बैंक के लिए सावरकर का नाम जिक्र किया गया है तो सावरकर के जो वोटर्स रहेंगे वो तो पहले से ही भाजपा को वोटिंग कर रहे हैं। सावरकर को भारत रत्न जैसे भाजपा के वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर बात मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस इस बात का विरोध कर रहे हैं उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि सावरकर पर डाक टिकट श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते जारी किया था। लाल बहादुर शास्त्री जब सांसद थे उन्होंने पेंशन शुरू की। कांग्रेस के महापौर ने लाल सावरकर की जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए 100 करोड़ की जमीन ध्यान में दी थी। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी? जगजीवन राम ने की थी जो कांग्रेस में थे। उसका भूमि पूजन किसने किया था? उसका भूमि पूजन वहां के राज्यपाल शंकर दयाल शर्मा ने किया था जो कांग्रेस के थे। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी? उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी शरद पवार ने जो वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। सावरकर के ऊपर जो सरकारी फिल्म बनी है वो किसने बनवाई थी? वह सूचना और प्रसारण मंत्री वसंत साठे ने बनवाई थी जो कांग्रेस सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री थे। सावरकर के लिए सबसे पहले भारत रत्न की मांग किसने की थी? सावरकर के लिए सबसे पहले भारत रत्न की मांग कांग्रेस के सूचना और प्रसारण मंत्री वसंत साठे ने मांग की थी जिन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिख के कहा था कि सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो देशद्रोही थे तो कांग्रेस ने इतने सम्मान कैसे दे दिए? सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय जनता पार्टी सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करती है और देश में जितने भी सभी को जवाब करती है और उसी आधार पर भारत रत्न का निर्णय किया गया है। इसमें क्या गलत है जी? मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप अगर सावरकर साहब को देना चाहते हैं तो इस देश में रोका किसने है? ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का विषय क्यों है? क्या पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार भारत रत्न का अवार्ड देना था? अब जब चुनाव आया महाराष्ट्र का उसके आप मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं। वो बेहतर होता कि आप मैनिफेस्टो जब लिख रहे थे 2019 लोकसभा का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपको याद दिला दूं, आप तो बीजेपी के नेता नहीं है सर। राजीव, आप तो बीजेपी के नेता, आप परेशान क्यों हो रहे हैं सर? सिंपल मैं आपकी बात, मैं बीच में बोला तो नहीं राजीव गांधी को भारत रत्न दिया जाएगा? क्या ये लोकसभा की चर्चा का विषय था क्या? एक राष्ट्रीय चैनल पे आप बहस कर रहे हैं, सुनिए ना, आप इतनी बड़ी सत्ता में आने पर भारत रत्न देंगे? खत्म हो सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो लोग हैं ना, किसी को सुनना नहीं चाहते हैं देश में। आप देश में सुनना नहीं चाहते हैं? आप सुनना नहीं चाहते हैं किसी को? आपको तो सुबह 10 बजे मैं श्वेता जी आपका आपका सेंशन चाहता हूँ, अपनी बात पूरी कर लूँ। श्वेता जी, क्या मैं अपनी बात पूरी कर लूँ? क्या मैं पूरी कर लूँ? और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे बैठे और जो लोग हैं वक्ता हैं उनको अपने कम से कम इतना धैर्य रखना चाहिए जब उनकी टर्न आए वो तब बोलें। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसकी टाइमिंग के ऊपर जरूर एक विषय उठता है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो फाजिल भाई कह रहे थे, इसके अंदर अगर दे देना चाहिए तो इसके लिए भारत सरकार सक्षम है, वो एक ऑर्डिनेंस जारी करें और बता दें कि दे दिया है। दूसरी बात क्या साहब, भाई साहब फिर आप बोल रहे हैं, एक मिनट, मैं आपके बारे में बोला, मैं आपके टाइम पे बोला तो नहीं? नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपके टाइम पे बोला तो नहीं हूँ? सुनिए ना भाई साहब, आप भी केवल एकमात्र बोलने वाले नहीं, और लोग भी हैं यहाँ पर, सुनिए जरा। चलिए चलिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसकी टाइमिंग पे तो बात होगी। दूसरी बात एक और है कि इसके अंदर हम कहना चाहते हैं इस तरह के शगुफे लगातार ये भारतीय जनता पार्टी छेड़ करके और जिसकी सरकार है वो इस देश में नया नैरेटिव सेट करना चाहती है, वो इसके अंदर वोटों का इनकैशमेंट करना चाहती है और इस वोट को इनकैशमेंट करने के लिए किसी भी स्तर तक इनको जाना पड़े, कोई भी वादा कहीं पर तो भी फूटपटांग कहना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं संजय गुप्ता जी, हम कहना चाहते हैं फिर इस नैरेटिव से बाहर आना चाहिए।
संजय जी, अगर वोट का इनकैशमेंट कराना चाह रही है बीजेपी तो आप तो साथ दे रहे हैं, वो तो कह रही है वीर सावरकर को मिलना चाहिए और आप इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, तो फायदा किसको मिलेगा? सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न दिया था, कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा था? अगर इसका हमें महाराष्ट्र के चुनाव में बेनिफिट मिलता है तो क्या गलत है? सचिन तेंदुलकर दोनों का जवाब दे दीजिए, ये भी सवाल ले लीजिए, ये भी ले लेता हूँ, आपका सवाल भी साथ ले लेता हूँ। देखिए सचिन तेंदुलकर जी की जो बात है ना, उन्होंने किसी ब्रिटिश राज्य के किसी सरकार से कभी माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए कोई विवाद नहीं हुआ। मगर मैं इस बात से आगे बढ़ के बात करना चाहता हूँ, विवाद पे भी नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूँ जब इस सरकार के पास पूरे अधिकार हैं तो राजनीति करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए, चर्चा चलाने के लिए, केवल एक शगुफा छोड़ने के लिए और चुनाव के अंदर एक खास समूह का वोट अपने पक्ष में करवाने के लिए इस तरह की राजनीति लगातार पिछले 30 सालों से ये भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की सरकार करती आ रही है, हम ये कहना चाहते हैं। चलिए मान लिया, दो मिनट के लिए मान लिया, लेकिन अब जब कहना है समीर जी का कि सचिन तेंदुलकर को जब दिया गया तो उस समय कहा गया यही कांग्रेस की तरफ से कि अगर मिलता, अगर इसका फायदा बेनिफिट्स कुछ मिल भी जाए तो क्या क्या बुराई है, तो ये दो पहलू कैसे चलेंगे? नहीं मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ इससे आगे बढ़ के सचिन तेंदुलकर के नाम पे बताइए ना कहाँ पर ये बात आती है कि उसने कभी पॉलिटिकल बेनिफिट की बात करो ना, राजीव शुक्ला ने कहा था मेजर ध्यानचंद को तो नहीं मिला। समीर जी फिर आप बोल रहे हैं, आज तक ध्यानचंद को लेकर आज तक दोनों से, मेरे तो सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है, मेजर ध्यानचंद को नहीं मिलना चाहिए था? ऐसे हैं जिनको भारत मेजर ध्यानचंद को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों लीडर बैठे हैं, दोनों से अगर पूछ लो पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं था इसलिए नहीं दिया गया। मैं आपसे एक मिनट, मैं अपनी कंप्लेंट कर दूं, क्या आपके कांग्रेस के समय में नहीं उठा था कि मेजर ध्यानचंद का मुद्दा, या बीजेपी के समय में नहीं उठा था? मुझे अवसर तो दें, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समय पे आप सभी लोगों को दे नहीं सकते, बहुत काबिल लोग, सक्षम लोग बहुत है इस देश में, मगर एक दिन में आप दे नहीं सकते, उनको समय लगेगा। एक दिन में दे नहीं सकते, सचिन तेंदुलकर को दे सकते हैं, क्योंकि फजील अहमद ने ये मुद्दा उठाया कि प्रणब मुखर्जी को दे दिया गया, वीर सावरकर क्या उनसे ओहदे में कम थे, तभी मैं मुद्दा उठा रही हूँ। सचिन तेंदुलकर को दे दिया गया, क्या मेजर ध्यानचंद कम थे? किसी भी काम में तीन बार ओलंपिक में पदक दिलाया, तीन बार ओलंपिक में पदक दिलाया, ना कांग्रेस की सरकार ने जहमत उठाई, ना बीजेपी की सरकार ने। अनिल जी, क्या क्या मेजर ध्यानचंद को नहीं मिला था पुरस्कार? सावरकर साहब ने क्या काम किया जरा वो भी बता दीजिए, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। गुरु जी देखिए, मैं आपसे निवेदन क्या करना चाहता हूँ, हालांकि मैं इस विषय में मगर मुझे कंपेल किया जा रहा है इस पे लाने के लिए, क्योंकि आप मुझसे सुनना यही चाहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता था, क्योंकि देखिए इससे राजनीतिक बात हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं यदि सरकार, एक मिनट सर, मैं आपकी बात को जोड़ रहा हूँ, अगर सरकार राम मंदिर बनाना चाहती थी एक अध्यादेश ले आती, सावरकर साहब को देना, सावरकर साहब को अगर भारत रत्न देना चाहती है दे देती, कौन रोक रहा है? मगर राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये देश के अंदर नैरेटिव सेट कर रहे हैं, एक खास तबके का वोट लेने के लिए नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा देश के अंदर। एक बात मैं रखना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर बात उठी है माफीनामे की, असल में माफीनामा का जो जिस चीज को माफीनामा बताया गया है उस चीज को असल में हमारे बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि क्या है, क्योंकि इन लोगों का फ्रीडम फाइट से कुछ लेना देना नहीं रहा, इनके नेता कभी जेल नहीं गए, मेरे बाबा जी फ्रीडम फाइटर थे वो जेल गए थे, एक जमानत का निश्चित प्रोसीजर है। नरसिम्हानंद जी माफ कीजिएगा, यहाँ रोकना पड़ रहा है इस वक्त, फोन लाइन पर अभिनेता रजा मुराद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा मुराद जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात हो रही है, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब पुरस्कारों को भी लेकर राजनीति हो रही है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, इसकी बाकायदा एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है, जो इंसान के मेरिट्स देखती है, जो जो उसका योगदान रहा है, वो किसी भी फील्ड का हो, वो आर्ट का हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो स्पोर्ट्समैन हो, तो उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, तो वो डिसाइड करती है। अब देखिए, ऐसा है कि मुझे तो अफसोस ये है कि आज तक किसी ने ये आवाज नहीं उठाई कि ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे, जो विजर्ड थे, जिन्होंने चार बार ओलंपिक्स खेले और चार बार वो गोल्ड मेडल लेकर आए, उनके बारे में कभी कोई बात करता नहीं है। यही सवाल मैंने भी उठाया है सर। देखिए, ऐसा है कि
अगर कमेटी ये समझती है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, उसमें कोई कमेटी तो छोड़ दीजिए सर, सवाल तो ये उठता है कि मैनिफेस्टो में इसका जिक्र करना क्या राजनीति करना नहीं है? देखिए देखिए आजकल तो ये है कि एवरीथिंग इज फेयर बिटवीन लव वॉर एंड पॉलिटिक्स, तो ये तो हर आदमी जो है वो अपना कार्ड खेलता है और ये कोई अब नई बात है नहीं, तो ठीक है हर इंसान पे खुले शब्दों में आप अपनी बात कह रहे हैं रजा मुराद जी, कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होकर चलना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिनेता रजा मुराद, जो कि कह रहे थे लव वॉर एंड पॉलिटिक्स इन्हीं तीनों के बीच जो है चीजें चलती हैं, और वाकई में अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए या नहीं दिया जाए मुद्दा अब ये नहीं है, मुद्दा तो अब ये उठ रहा है कि क्या पुरस्कारों को लेकर भी राजनीति होती है, और ये राजनीति आज नहीं हो रही है सदियों से हो रही है। भारत रत्न सावरकर और सियासत, क्या सावरकर के नाम पर इस देश में सियासत हो रही है? सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या अब भारत रत्न दिए जाने की बात जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में महाराष्ट्र में कही है, क्या ये सिर्फ एक स्टंट है, क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है? क्योंकि वीर सावरकर को अगर भारत रत्न दिया जाना था तो बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए था, 5 साल पहले भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन ऐसे वक्त में ही क्यों, वो भी मैनिफेस्टो में इसका जिक्र क्यों, सवाल इसलिए उठ रहे हैं। जो लोग राजनीति की लड़ाई को नहीं जानते, अंग्रेजों के साथ फ्रीडम स्ट्रगल को नहीं जानते, वो लोग इस बारे में कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं तो स्वतंत्र सेनानियों के परिवार से हूं, मैं जानता हूं जब जमानत ली जाती है या जेल से छुटा जाता है तो कुछ डॉक्यूमेंट दिए जाते थे, पूरा भारत ब्रिटेन के अधीन था। आज उन डॉक्यूमेंटों को दिखाकर वो लोग जिन्होंने कहीं जमानत नहीं करवाई वो ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने माफीनामा दिया, उन्होंने अपने आप को आजाद करने का प्रयास किया। पहले सावरकर को समझिए, सावरकर वो व्यक्ति था जो इतने छोटे से छेद से निकलकर समुद्र में कूद गया था, सावरकर को अंदर रहना नहीं था, सावरकर को पूरी दुनिया को आजादी का मतलब सिखाना था। देखिए आज सावरकर का मान भारत रत्न मिलने से नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिन लोगों से आज सावरकर की, सचिन तेंदुलकर, प्रणब मुखर्जी, जिन लोगों से सावरकर नहीं, तो यहां पे एक और एड ऑन करना चाहूंगी, ओवैसी जब ये कहते हैं कि गोडसे को भी दे दो तो ये तो और पहली बार एक अच्छी मांग ओवैसी जी ने की, क्योंकि सावरकर और गोडसे कोई अलग नहीं है, तो आप गोपाल गोडसे जी के साथ क्लियर हो गया ना सर, ओवैसी भी तो यही कह रहे हैं, क्लियर हो गया ना गोडसे जी को मिलना चाहिए, आप गोडसे जी को मिलना चाहिए, राष्ट्रपिता की हत्या में, राष्ट्रपिता की हत्या में आप मान रहे हैं इस बात को, जो साबित नहीं हुआ सावरकर के बारे में सच, उस सच को आप मान रहे हैं, एक सिक्के के दो पहलू बता रहे हैं। समीर जी क्या बात कर रहे हैं, नरसिम्हानंद सरस्वती यहाँ कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, समीर जी विचारधारा तो सावरकर की थी, गोडसे उनके शिष्य थे, क्या बात कर रहे हैं जी? हाँ, सावरकर और गोडसे का फर्क नहीं समझ रहे, गोडसे एक विचारधारा है जो हिंसा का प्रवृत्त करती थी, मुझे नहीं, सावरकर उसके प्रवक्ता है, बीएस मुंजे और सावरकर, लेकिन मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, कि जब महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चला तो उसमें गोडसे को फांसी हुई थी और सावरकर को बरी किया गया था, उसके बाद मेरी बात सुन लीजिए, गोडसे और वो मिले थे गांधी के मर्डर पर या नहीं, उसके बाद गोडसे गांधी सावरकर जी के शिष्य थे रहेंगे, कोई कायर व्यक्ति इसे निकाल सकता है सावरकर जी, अनिरुद्ध जी, तब तो दिग्विजय जी जो कह रहे हैं हो जाना चाहिए, वो वैसे ही जो कह रहे हैं वो हो जाना चाहिए, आप भी समर्थन करते हैं क्या? मैं तो समर्थन करता हूं, गोडसे जी भी इसी अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी और समीर जी, मुझे वाकई में हैरानी हो रही है कि क्या अब हम बैठ के इस पर भी बहस करेंगे कि गोडसे को मिलना चाहिए भारत रत्न, क्या हम जो फजील अहमद जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत नहीं है कि ये भारत को तोड़ने की कोशिश करी है, नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं, नरसिम्हानंद सरस्वती जी आप जो बात कह रहे हैं, कोई भी भारतीय बैठा हुआ जिसे हम बापू कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उसे मारने वाले को भारत रत्न दे दिया जाए, मैं इस बात पर आपत्ति दर्ज कराती हूँ, बिल्कुल नहीं। नरसिम्हानंद जी अगर ये बात आप कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आप ये बात भी मान रहे हैं कि सावरकर इन्वॉल्व थे महात्मा गांधी की हत्या में, आप ये कह रहे हैं कि वो सोच है, गुरु शिष्य होना अलग बात है सर, लेकिन शिष्य
के चीजों का खुद विरोध किया था हत्या का, लेकिन वो गुरु शिष्य थे, संपर्क नहीं है। आप कह रहे हैं ओवैसी ने सही कहा, पहली बार सही कहा, यानी गुरु से तो भारत ने कहा उन्हें मिलना चाहिए, गोखले जी को अनिरुद्ध जी ऐसे बांटेंगे देश को, ऐसे बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे सर। एक करोड़ हिंदुओं का हत्या करवाई गांधी ने, एक करोड़ हिंदुओं की हत्या करवाई गांधी के हत्यारे को तो मिलना ही चाहिए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं नरसिम्हानंद सरस्वती जी, इसी 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 इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर पता है सर इतने वर्ग में बच चुका है हिंदुस्तान ना, कि हर जगह जहर भरते हैं आप लोग। नरसिम्हानंद सरस्वती जी कभी भी उनकी बात को अलग रखने के कारण, अगर उनकी बात मानी जाती तो आज भारत की दुर्दशा नहीं होती, चाहे आप किसी भी धर्म और धर्म को उठा लेगा। विरोध करता हूं और जो लोग अहिंसावादी बता रहे हैं महात्मा गांधी को, एक करोड़ हिंदुओं का हत्यारा है ये महात्मा गांधी, एक करोड़ हिंदुओं का विचारधारा है, इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ नरसिम्हानंद सरस्वती जी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि गोडसे को भारत अनिरुद्ध जी ऐसे बांटेंगे भारत को, ये स्थिति आ गई है। गोडसे के बारे में प्रधानमंत्री जी का बयान अभी चुनाव के दौरान आया, बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से उन्हें स्पष्ट कर दिया था। यहाँ चर्चा हो रही वीर सावरकर जी के भारत रत्न के बारे में, चर्चा यहाँ की जा रही है, यहाँ गोडसे की चर्चा नहीं की जा रही है। संजय जी उठा रहे थे कि वीर सावरकर जी ने माफी मांगी, संजय जी शायद इंदिरा गांधी जी से बड़े हो गए, इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया, डॉक्यूमेंट्री बनवाई, उनके ट्रस्ट में 11,000 रुपए दिए, उनसे बड़े हो गए। आप संजय जी को ये नहीं पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक को छोड़ के कांग्रेस के कितने नेता को काला पानी अंग्रेजी प्रशासन को काला पानी से चिट्ठी लिखी, आप बता दीजिए कांग्रेस और माफी मांगी और सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर है, वाला बात कर रहे हैं आपको छोड़ के बता दीजिए, नहीं आए गांधी 28 बार गांधी उन्हें जानते हैं और सन 24 से भाई काले पानी गए, गांधी गए कि भाई देश के अंदर जान नहीं किया, गांधी के बड़े नेता आप है, गांधी के शिष्य है, गांधी के शिष्य है, महात्मा गांधी का विरोध किया, संजय जी गांधी के शिष्य है, मांसाहारी थे वो, बताते हैं जम्मू कश्मीर जानिए को मांसाहारी तो गांधी को जानते ही नहीं है, संजय जी और राहुल गांधी के चेले हैं, शुद्ध रूप से जो कि भाई के साथ बताते हैं जम्मू कश्मीर को, कैसी बात कर रहे हैं आप, ये छोटी छोटी मांसाहारी ये सारी सारी भारी रिकॉर्ड पर है, 28 बारी उन्होंने माफी का लेने लगा, 28 बारी को संजय जी जेल से बोलने पर उतारू हो गए हैं, और ये राहुल गांधी का मांसाहारी होगा, उनको इंदिरा गांधी ने जो चेले दिखा सकता हूं आपको बनाई गई 11,000 रुपए ट्रस्ट में दिए गए, बात चल रही है इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि माफी भी कई बार रणनीति का हिस्सा होती है, शिवाजी ने भी कैसे माफी है, औरंगजेब जैसे तीन बार माफी मांगी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अरे आप मना कर दिया था माफी भी मांगेंगे उन्हें, तो कैसे जा रहे हो लड़ने वाले लोग, एक मिनट, सवाल ये नहीं उठ रहा, महात्मा गांधी ने भी इस बात को उठाया था यंग इंडिया में जब उन्होंने कहा था, तो बिल्कुल उन्होंने लिखा सावरकर के बारे में लिखा, अगर इसी तरह हिंदुस्तान सोता रहा तो हमारे दो पुत्र जो है वो भेंट चढ़ जाएंगे, उन्होंने ये बात महात्मा गांधी ने भी कही थी, और यहाँ बैठकर जब नरसिम्हानंद सरस्वती इस तरह की बातें करते हैं तो इस पर मुझे आपत्ति उठती है कि गोडसे शिष्य जरूर हो सकते हैं लेकिन गोडसे को भारत कभी पूज नहीं सकता सर, ये यहाँ बैठकर और कोई भी हिंदुस्तानी गोडसे के लेकिन हिंदू जिंदा चाहता है बिल्कुल नहीं सर, नरसिम्हानंद सरस्वती जी आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, ये मानसिक दिवालियापन है सर, अगर गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए तो ये आप अहिंसा के रास्ते पे नहीं हिंसा के रास्ते पे जा रहे हैं, वो एक हत्यारा था जिस समय उसने महात्मा गांधी की हत्या की, बिल्कुल नहीं सर, आप यहाँ बैठकर गलत बयानबाजी करेंगे तो मैं यहाँ रोकूंगी, बिल्कुल नहीं नरसिम्हा, मैं बिल्कुल ये बयान आपका नहीं लेती हूँ, और मुझे अफसोस लगता है, मुझे अफसोस लगता है, इसीलिए तो कहते हैं सर कि भारत को आप लोग बांटने में लगे हुए हैं, नहीं सर ये विचारधारा कभी सपोर्टिव नहीं हो सकती, ये कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकती। फजील अहमद, इस बात की है कि हम 1947 से पूर्व, 1857 से भी पूर्व हम किसी भी क्रांतिकारी को, चाहे वो हिंदू मानसिकता का हो चाहे मुस्लिम मानसिकता को, हम उसकी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी जात का मानने वाला, हमारे लिए 47 से पूर्व जो लोग भी चाहे अंग्रेजों से माफी मांगे हो चाहे ना मांगे हो, वो हमारे क्रांतिकारी हैं, हमें उस पर बहस नहीं करनी चाहिए, ये सवाल है मेरा। और आज सवाल हमारे गुप्ता जी ने कहा कि माफी मांग, माफी पर हम कहते हैं, अभी राहुल जी ने पूरे देश में कहा कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लिया,
बिल्कुल, अब बताइए आप माफी एक, ये तो इस पर आप देखिए, आप गोड्स आप विचारधारा पे आइए, आप सोच रहे कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, आप सोच रहे हैं, सुन लीजिए सर, आप सोच रहे हैं कि अगर हम बीडी सावरकर जो आप डाक टिकट जारी कर दिए, अहमद ये टीज दिखी है पहली बात, जिस कांग्रेस को हितैषी कहते आए हैं, तब तक आपको कहां दिखे, कांग्रेस को हितैषी, ये मुस्लिमों की पक्षकार कही जाती है, और पहली बार मैंने देखा किसी पार्टी का, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, मैं एक भारतवासी हूं, मैं माफीनामे पर इंदिरा गांधी जब डाक टिकट जारी करती है, लेटर तो देखा होगा ना, अब देखिए हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, एक आदमी को उन्होंने संजय गुप्ता आपका नाम नहीं, सुनिए एक मिनट भाई साहब प्लीज, मैं कहना चाहता हूँ, चलिए इस बात से आगे बढ़ते हैं, मैं कहना चाहता हूं इसके साथ साथ, जब इस देश के अंदर सबसे पहले तो बात यह आई कि मैनिफेस्टो के अंदर ये बात आने लगी कि सावरकर साहब को मिले, क्यों नहीं दे दिया, दूसरी बात महाराज साहब ने कहा गौडसे को मिलना चाहिए, मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं जब इसी प्रकार से गौडसे के लिए आज मांग उठाई गई है, ये भी देश के नागरिक हैं, तो मैं इससे आगे बढ़ के कह रहा हूं साध्वी प्रज्ञा को भी मिलना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ बंगालू लक्ष्मण को भी मिलना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट भाई साहब प्लीज प्लीज, मैं आपके लिए बोला नहीं, मुझे प्लीज बोलने दीजिए एक बार, मेरे को बात तो कंप्लीट कर लेनी चाहिए अपनी, और देखिए गोधरा कांड कराने वाले अमित शाह साहब को मिल जाना चाहिए, ये जितने लोग हैं इन्होंने देश के बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है, इनको मिलना चाहिए, भारत रत्न के लिए डिजर्व करते हैं, जवाब आप दे दीजिए, एक सवाल का जवाब संजय गुप्ता जी दे दे कि अगर अगर राजनीति का एक हिस्सा है साम दाम दंड भेद राजनीति में अपनाए जाते हैं, और बीजेपी का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें सर, तो अब ये मीडिया वाले भी समझने लगे हैं, लोकसभा के इलेक्शन के पहले एयर स्ट्राइक, इमोशंस जब हाई थे पूरे देश के, और सभी जगह टीवी डिबेट पर यही देखा जा रहा था, और सभी चाहते भी थे कि इस तरह की स्ट्राइक हो, और जब स्ट्राइक हुआ तो कांग्रेस पार्टी जो है उससे विफर पूछने लगती, आंकड़े बताओ, आपको इसका भुगतान देखना पड़ा लोकसभा में, अब जब अगर वीर सावरकर की बात उठाई गई है, इससे मुद्दा कौन बना रहा है, देना आप भी कह रहे दे दो, मैनिफेस्टो में क्यों रखा, तो जो चाहती है बीजेपी वही आप करते हैं, बीजेपी आपके मंत्री राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, उसको कैंपेन बीजेपी ने बना लिया कि हम भी चौकीदार, और लोग उसमें शामिल हो गए, तो क्या आप ये गुगली नहीं समझ पाते या क्या नहीं समझ पाते, सभी जो है बयानबाजी पे आ जाते हैं, तो आप ही ये सर पॉलिटिकल फायदा तो आप ही दे देते हैं, देखिए मैडम ये नैरेटिव सेट भारतीय जनता पार्टी की सोची साजी समझिश है, तो आप दे रहे हैं ना सर, साफ तो दे रहे हैं, क्या करें हम, अब आप मुझसे सवाल, अब आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं जवाब ना दूं, कैश करा रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं तो मैं जवाब ना दूं, जब सवाल आप पूछते हैं, जब आप इसके नहीं बोलिए बोलिए, सुनिए ना, हमने तो नहीं कहा कि मैनिफेस्टो के अंदर ये तय किया जाना चाहिए कि सावर साहब को मिलेगा, आज ये सावरकर साहब को मैनिफेस्टो में देने की बात कर रहे हैं, और आप प्रश्न कांग्रेस से पूछ रही हैं, अरे सर मैं तो सुनिए ना मेरी बात, कि ये मुद्दा कौन बना रहा है, मैडम एक मिनट तो दीजिए मुझे, यही लोग बना रहे हैं और कौन बना रहा है, यही तो कर रहे हैं और कौन, मैनिफेस्टो में ये लिख रहे हैं तो ये बना रहे हैं कि हम बना रहे हैं, किसने उठाया, और आप हमसे प्रश्न का जवाब पूछेंगे, हम जवाब ना दें, कहना चाहता हूं कांग्रेस की समस्या यही है, अरे भाई साहब आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, आपकी सलाह की आरएसएस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को आरएसएस की सलाह की जरूरत नहीं है, सॉरी हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, हमें हमें गौड़सेवादी लोगों की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है, सुन लीजिए आप मेरी बात, सुनिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंतर्मन में जागिए, आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, आप अरे विरोध की बात नहीं है, आप इस देश में झूठ बोलने की सर्टिफाइड मशीन है, पूरा देश जानता है, बनने लायक नहीं, किस तरह की बीच में बात करते हैं, संजय गुप्ता जी, प्रियंका चतुर्वेदी याद है जी, अब शिवसेना में है याद जी, है ना जी, उन्होंने ही ट्वीट किया इंदिरा गांधी का लेटर और दिखाया कि भाई ये देख लीजिए कि क्या लिखा गया था वीर सावरकर को लेकर, तो ये तो इतिहास रहा है कांग्रेस के साथ साथ, एक मिनट, कांग्रेस ने कभी भी ऐसा नहीं है कि सावरकर को डाउन किया, आप भी कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, अगर ये एक राजनीति का हिस्सा है कि मैनिफेस्टो में वीर सावरकर का जिक्र किया, तो आप तो बैठे बिठाए इस मुद्दे को उछाल रहे हैं जिसका पॉलिटिकल बेनिफिट सभी को पता है कि बीजेपी को मिल जाएगा, फिर भी आप इस ट्रैप में क्यों फंसते हैं, इस ट्रैप में क्यों फंसते हैं फजील अहमद, क्या आपको नहीं लगता कि ये ट्रैप चौकीदार चोर है वो गुगली उल्टी पड़ गई, आप सुनिए संजय जी, अब आपने प्रश्न पूछा, भारतीय सुनिए, जब भारतीय टीम लड़ रही होती है ना, वहां पे खेल रही होती क्रिकेट का मैच, बाहर बैठे 50 लोग बताते होते हैं कि इसके अंदर इसको बाहर कर दो, इसको अंदर कर दो, ये ऐसे खिलाया होता, इस नंबर पे खिलाया होता, अरे कांग्रेस के बारे में सभी लोग आप चिंतन कर रहे हैं, और कांग्रेस को अपनी बात जब रखती है तो आपको उससे बुरा लगने लगता है,
आपने आज मैनिफेस्टो के अंदर सावरकर साहब को देने की बात की है, हमें क्या जवाब देना चाहिए? हमने ये कहा यदि आपको देना चाहते थे तो आपको दे देना चाहिए था, क्योंकि आपके पास पावर्स हैं। तो इसमें हमने क्या गलत कहा? सवाल तो इनसे पूछने की जरूरत है ना। दूसरी बात, आरएसएस की बात है, मैंने उससे आगे बढ़ के कहा, मैंने सलाह भी दे दी साथ में कि साध्वी प्रज्ञा साहब ने जो वहां पर मालेगांव में इतना बड़ा विस्फोट कराया उन्हें भी मिलना चाहिए। मैंने कहा कि गोरसे साहब की बात तो अभी हमारे सामने कही थी, जवाब आपके पास नहीं। और बंगारू लक्ष्मण साहब जो नोटों के बंडल के साथ मिले हैं उन्हें भी मिलना चाहिए। जवाब नहीं है ना सर, आपके पास जवाब नहीं है। बताइए ना, अमित शाह साहब को मिलना चाहिए। आपके पास जवाब नहीं है सर। इस गुगली को समझिए, इस गुगली को समझिए। ये जो गुगली फेंक रही है ना बीजेपी, आप मुद्दा अगर आप इतने पाक नारे लगाए, चलिए क्या करना चाहिए हमें? जिंदाबाद के नारे लगाए मेजर ध्यानचंद को कांग्रेस के शासन काल में क्यों नहीं दिया गया? मेजर ध्यानचंद जी को भी मिलना चाहिए, मैरी कॉम को भी मिलना चाहिए। बहुत से देश के अंदर वो लोग जिन्होंने काम किया उन सबको मिलना चाहिए। सचिन तेंदुलकर के मुद्दे बीजेपी यहाँ दोनों पार्टियां बैठी हैं और इसका क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों नहीं बढ़ाया राजीव गांधी जी ने? देश के अंदर क्या कहते हैं कंप्यूटर वो लेकर के आए आपके नरेंद्र मोदी लीडर बचे नहीं है, राजीव गांधी को चले जाते हैं। राजीव गांधी के पीछे में ये बात कर रहे हैं, देश के अंदर शहादत दी है। अरे संजय गुप्ता जी, क्या बात कर रहे हैं? राजीव गांधी जी को सवाल मिला होगा। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी के विषय पे कोई बोल दे, आपने 43 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है देश के अंदर, क्या फालतू बात कर रहे हैं? और आप पूर्व प्रधानमंत्री के विषय पे कुछ भी कहें आपको छूटे? आप मुझे ये बताइए ना, ये मुद्दा यही राजनीति अब आप समझ नहीं पा रहे हैं। या तो लीडर नहीं बचे कांग्रेस में, संजय जी राहुल गांधी जी की क्लास में पढ़ के आते हैं। आप ये गुगली नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी आपकी क्लास में नहीं पढ़ते, गौर से की क्लास में नहीं पढ़ते। फजील अहमद भाई यार, फजील अहमद में नहीं पढ़ता। माफ कीजिए, माफ कीजिए, फजील अहमद टोपी आप लगा रहे हैं, फजील अहमद इंदिरा गांधी का नहीं है, सही बात है, काली टोपी है। एफआईआर पे मैं एक बात कहना चाहता हूं। नहीं नहीं, एफआईआर पे नहीं जाएंगे सर। आप इस देश के लिए देखिए, क्या चमत्कारिक बात है। एफआईआर पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यूपीए 1 यूपीए 2 में 20,000 मुस्लिम लड़कों पे एफआईआर हुई आतंकवादी केस में, एक को भी सजा नहीं दिला सके, सब छूट के चले आए और 20 साल उनकी जिंदगी का बर्बाद कर दिया। आपका क्या आप धुले हुए हैं दूध से? आप एक उंगली जब उठाते हैं ना सामने वाले पर, तो चार तीन उंगली आपकी तरफ इशारा करने लगती है। संजय गुप्ता जी समझिए बात को, आप समझिए, ये कांग्रेस और भाजपा का देश नहीं है, ये 125 करोड़ का देश है और विभिन्नताओं का ये देश है और उसको भटका रहे का देश है और उसको और आपको भी समझना होगा और भाजपा को भी समझना होगा। भाई अगर आप सुनिए, 41 हम एफआईआर हमारे हमारे बच्चे जेल में सड़े हैं, हमें तकलीफ है, आपको तकलीफ नहीं है ना? आप जिस तरह से कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्व करते हैं, हार्ड हिंदुत्व करते हैं, दोनों लोग वही देश के लिए बराबरी का इजाद अगर संविधान में दिया, आपने कांग्रेस ने दिया था, आपने दिया, संविधान बनाया था आपने, ये सारी आपका चर्चा कर रहे हैं भगत सिंह, और यही कानून प्रक्रिया भी उसी कांग्रेस ने की। परिवार का था और यदि जिसमें मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाता है, आज समस्या को समझना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान बनाया आपने प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दिया। गुप्ता जी बातों को गोल मोल करने से लेके, अरे सर सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, नौजवान लड़कों इंजीनियर डॉक्टर को गोल मोल करके बात कर रहे हैं, सामने पेश करने से संजय गुप्ता जी, सर गोल फजील अहमद, फजील अहमद एक मिनट, संजय गुप्ता जी बातों को गोल मोल करके अगर जनता के सामने पेश करेंगे ना तो जनता 130 करोड़ की जो जनता, एक मिनट सर, 130 करोड़ की जनता जो है ना ये नहीं समझेगी, बीजेपी ने ये ट्रंप कार्ड चला है और बीजेपी ये ट्रंप कार्ड आज से नहीं चल रही है। आप अगर लोकसभा का चुनाव उठाकर देखें तो यही ट्रंप कार्ड बीजेपी हमेशा चलती आई है और जिसके जिसका आप शिकार होते आ रहे हैं। बीजेपी चाहती थी वीर सावरकर को अगर देना रहता
भारत रत्न, तो बीजेपी ऐसे भी दे सकती थी, वो चाहती थी कि मैनिफेस्टो में जिक्र हो और इसके बाद आप लोग माहौल बनाए। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, वीर सावरकर से वो गोडसे पर पहुंच जाते हैं, यहां बैठ के नरसिम्हानंद जैसे लोग कहते हैं कि हाँ गोडसे को भी मिलना चाहिए, पहली बार वो वैसे सही कह रहे हैं, तो ये विचारधारा जितनी बातें होंगी सर उतना फायदा किसको, ये बात कब समझेंगे आप? देखिए संजय जी का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, संजय जी मैनिफेस्टो में वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की बात क्या, ये तो आतंकवादी कानून को हटाने की बात करेंगे, तो इनकी सोच वही तक सीमित है, वो आगे सोच ही नहीं सकते। चलिए आपकी सोच है ना सर, मेजर ध्यानचंद को क्यों नहीं दिया? अनिरुद्ध जी अब आप सवाल का जवाब दे दीजिए, मेजर ध्यानचंद को आपकी सरकार देखिए समय में क्यों नहीं सबको मिलेगा, समय जैसे होगा समय उनको होगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं, कब समय आएगा? गया कल नहीं, नहीं सचिन तेंदुलकर पर आप सवाल उठाएंगे, मेजर ध्यानचंद को नहीं करेंगे? नहीं, आप एक बात बताइए, मेजर ध्यानचंद को नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल मिलना चाहिए, 82 सांसद 2016 में मार्च नहीं निकाले थे? 82 सांसदों ने मार्च निकाला था, 125 करोड़ लोगों की है, इसमें महान विभूतियां इतने भरे हुए हैं, इतनी महान विभूतियां हैं, चुना जाता है, समय लगता है, ऐसा नहीं। अनिरुद्ध जी 82 सांसदों ने 2016 में मार्च निकाला था, 2011 में यह मुद्दा उठा, 2014 में यह मुद्दा उठा, 2016 में यह मुद्दा उठा, नहीं होना चाहिए, आपके मतलब का नहीं था, आपके मतलब का नहीं था। अरे अनिरुद्ध जी, मतलब का होता ना तो दे दिया होता, मतलब का होता तो नोटबंदी हो गई, मतलब का था तो 370 हट गया। मतलब नोटबंदी क्या है मैडम? अरे क्या बात कर रहे हैं, बता दीजिए, नोटबंदी से लोग नोट नोटबंदी करके चुनाव लड़े, अगर हमें चुनाव लड़ने की बात होती तो अगर देश में आप बोलते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, तो आप तो वो काम मत कीजिए, राजनीति कम से कम पुरस्कारों पर तो मत कीजिए सर। राजनीति पुरस्कारों पे सबसे ज्यादा कांग्रेस के जमाने में होती थी मैडम, पता चलता था कि चिट्ठी लिखी जाती थी, पद्मश्री पद्मभूषण ऐसे मिलते थे जैसे घर की खेती है। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे संजय भाई, आपके लिखे हुए पत्रों से हो सकता तो चाहे तो आप ही दिलवाए हो पद्मश्री पद्मभूषण। आपने प्रणब मुखर्जी को क्यों दे दिया? आप एक बार बता दें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है। फजील अहमद, अगर रविशंकर प्रसाद ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है इन पुरस्कारों को अपने नाम करना चाहती है, अपने ही परिवार में दिए जाए, अपने ही लोगों को दिए जाए, तो प्रणब मुखर्जी को किसने पैरवी की थी? यही तो मेरा सोचना है कि UPA1 यूपी गुप्ता जी को पता ही नहीं कांग्रेस के अंदर जयचंदों की भरमार लगी है, इसीलिए उन्होंने जो 10 साल में कांग्रेस में रह करके बीजेपी का जो सम्मान बढ़ाया, जो काम किया उन्होंने अंदरूनी तरीके से, जो विश्वासघात कांग्रेस के साथ किया, उसी का इनाम मिला है उनको। उनको किसी काम के लिए नहीं मिला है, उनको इनाम मिला है जो उनके UPA1 UPA2 में जो कांग्रेस क्या बात करें, प्रणब मुखर्जी जयचंद देश के कांग्रेस के राष्ट्रपति हैं, कांग्रेस के, कांग्रेस का मैं कह रहा हूं, मैं देश का नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस का। अभी तो कांग्रेस में जयचंद थोड़े हैं, अभी तो बहुत जयचंद बैठे हैं कांग्रेस में। अगर कांग्रेस समझते, अगर समझते कांग्रेस तो आज भी सुधर जाएगी। आज भी कांग्रेस में बहुत जयचंद बैठे हैं जो कांग्रेस को खा रहे हैं अंदर अंदर। अभी तो बताया था कि जो भारतीय इनाम मिला है, भारत दादा को इनाम मिला है अपने काम का, भारतीय क्रिकेट क्यों कांग्रेसी को, आप जिंदगी में कांग्रेसी का विरोध करते हो, कांग्रेसी आपको मिला देने के लिए? मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि मैं अपनी बात कहूं तो कृपया कोई बीच में ना बोले। आप ये देखिए कि जब मैच हो रहा होता है क्रिकेट का, हर चौक के ऊपर खड़े हुए पनवाड़ी की दुकान पे चर्चा हो रही होती है, यहाँ क्रिकेट तो ये उसी तरह की चर्चा है, इसको इसी तरह तो आप बात करेंगे? आप बताना चाहते हैं कि जयचंद है, आप बताना चाहते हैं ये? अरे भाई साहब, ये मानसिकता जो है ना कांग्रेस, सुनिए ना भाई साहब, सर गलत नहीं कह रही है बीजेपी, अभी और फिगर और नीचे जाना है, एक बार और फिगर नीचे जाना है, ये क्या मानसिकता है सर, क्लियर ही नहीं हो पाता, यहाँ बैठी दर्शक नहीं समझ पाएगी जो गोलमोल आप बात कर रहे हैं, पनवाड़ी दुकान बता रहा हूं। अरे सर क्रिकेट को ना पूजा की तरह पूजते हैं, फायदा क्या है? मैं सुनना क्यों नहीं, आप गोलमोल बात करेंगे तो मैं आपको बोल ही दूंगी, मंच है सर आपका, आप क्या भाषण दे लीजिए, मेरी बात सुनिए ना, आप सवाल का जवाब दीजिए ना सर, तो आप मुझ तक वहां तक पहुंचने नहीं दे रही है मुझे, तो ये क्रिकेट का कहां से आ जा रहा है? जो भाई साहब ने जवाब दिया मैं उसके बाद का जवाब दे रहा हूँ, इन्होंने बताया कि बहुत जयचंद है, किसी ने बताया ये है, किसी ने बताया वो है, हर आदमी ये बता रहा है कांग्रेस को कैसे काम करना चाहिए। सलाम माननी, एक मिनट भाई साहब, प्लीज एक मिनट, जब चाहिए होगी हम ले लेंगे, हम सक्षम है, हम ले लेंगे सलाम, हमने 70 साल 60 साल इस देश में राज किया, हम ले लेंगे, छोड़ दीजिए ना आप, एक मिनट सुनिए मेरी बात, आप सुनिए 2 मिनट मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ, इस देश के अंदर कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर लोकतंत्र स्थापित है, चारे चारे। और हमने बहुत दिनों तक काम किया, अब दूसरे लोग कर रहे हैं सर, ये कभी ठीक समझेंगे लोग, हमें मौका देंगे,
तो इसके अंदर ये क्लोजिंग कमेंट लूंगी, क्लोजिंग कमेंट नीति गलत है। नरसिम्हानंद सरस्वती जी क्लोजिंग कमेंट बस फटाफट सर, टाइम नहीं है। सावरकर जी इस पुरस्कार से बहुत बड़े हैं और अभी एक बात आई कि उन्होंने माफीनामा दिया। सावरकर इतिहास की एक अकेली फिगर है जिन्होंने वहां पर सर्टिफिकेट नहीं लिया अपना, LLB पास कर वकालत पास करने का सर्टिफिकेट नहीं लिया, उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि सम्राट के अंग्रेजी सम्राट को वो देना था। तो उन्हें भारत रत्न मिले या ना मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनका अपमान ना हो इस देश में, किसी भी तरह से उनका अपमान ना हो, ये सबको देखना चाहिए। देखिए भारत रत्न के ऊपर सावरकर जी का लेके इतना विरोध कर रहे हैं कांग्रेस, इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता उनको बहुत अच्छे से देगी। जी संजय जी, जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो के अंदर भारत रत्न देने की बात कर रही है, हमें इस बात पे सख्त एतराज है। अगर वो देना चाहते थे तो उनको पहले दे देना चाहिए। इस देश में पुरस्कार का महत्व उस दिन समाप्त हो गया जब नितिन गडकरी ने कह दिया कि आशा ताई पुरस्कार लेने के लिए 8 मंजिल सीढ़ी चढ़ के आई चिट्ठी लिखवाने के लिए मुझसे। उसी दिन मैं समझ गया था कि पुरस्कार का कोई मतलब नहीं। 70 साल तक ऐसे पुरस्कार मिलते ऐसे ही मिला, ऐसे इसीलिए तो वापस कर रहे हैं चार लोगों को मेहनत से जनता का भारत वापस करते हैं। सावरकर और सियासत, भारत रत्न सावरकर और सियासत, अब ये जनता के ऊपर है। आज किसी पॉजिटिव नोट के साथ नहीं छोड़ूंगी, अब ये जनता के ऊपर है। डिसाइड करे कि तमाम ये जो मुद्दे हैं क्या हमारे देश में अब भारत रत्न जैसे पुरस्कार भी क्या पॉलिटिसाइज किए जा रहे हैं, क्या इस पर भी राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। ऐसे वक्त पर जब वीर सावरकर का नाम सामने आता है कि भारत रत्न दिया जाएगा तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठने के लिए ही शायद मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया गया, शायद कांग्रेस समझ नहीं पा रही है और ये तमाम जो मुद्दे हैं इस वक्त सियासी मुद्दे बन गए हैं। लेकिन पुरस्कार पर कभी भी सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर उसका महत्व नहीं रह जाता है। तमाम गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।